मेरा बिल 44,000 रुपये है, 44,000, जिसमें एक फ्रिज चलता है और दो पंखे चलते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? अशरफिया जो है ना, उनको प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, पेट्रोल भी फ्री है, बिजली भी फ्री है, सरकारी महकमे में बैठे हुए ना आपके मुलाजिम, आपके नौकर, उनको सब कुछ मुफ्त है। बिल्कुल, जितने भी सरकारी अफसरान बैठे हुए हैं उनको फ्री है। गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं है। चीजें पकड़ी जाती हैं जी, इतनी बोरियां चीनी की पकड़ी गई, वो कहाँ गई? वो किधर है, किसके पास है? सवाल ये हुई बात, वो आप ये बताएं किसके पास है? वो ये बताएंगे ना जिन्होंने पकड़ी है। पकड़ ली है जी, आज इतना ये सामान पकड़ा गया, वो किधर गया? यूटिलिटी स्टोर पे जाएं, कोई चीज नहीं मिलती। ऐसा ही है, आप जी इतने का सामान लेंगे तो आपको 2 किलो चीनी मिलेगी। अच्छा, मैंने पहले भी कहीं सुना है, वो कहते जी सामान ज्यादा लें फिर चीनी मिलेगी, क्या कहते हैं वो? आप जी ये राशन लें, आटा भी आपको उसी हिसाब से मिलेगा और चीनी भी आपको उसी हिसाब से मिलेगी। अच्छा, किस हिसाब से? मतलब कितने की खरीदारी करो तो मिलेगी? आप अगर जो 4 से 5 हज़ार की खरीदारी करते हैं, आपको आटा भी एक तोड़ा आटे का मिलेगा 10 किलो का, और दो एक चीनी का पैकेट, यानी सिर्फ 3 किलो का। चीनी लेना चाहे तो नहीं मिलेगी? वो नहीं मिलती। वजह? वो कहते हैं नहीं जी ये अभी हमारे पास नहीं आई, आप ये सामान खरीदे फिर लेंगे, फिर अचानक आ जाएगी, फिर आ जाएगी, ऊपर से आ जाएगी। वो फिर इनको बताना कहाँ से आएगी, क्योंकि नाजली होनी है फिर साढ़े दे। फिर पता की कहने ने, भाजी कल आ जाना पर्ची दिखाना, ला जाना उन्हों को, तुसी घर दा कानून कटिया है, पुछना सी उन्हों, वो पता नहीं जी अफसरा ने क्या, अफसरा दी हुन मेरे मुंह गाल निकलदी, मैं की करा? अफसर कौन है? अफसर मुलाजम, उनको अफसर मेरे मुलाजम ने, अफसर पाकिस्तान मुलाजम ने, साढ़े मुलाजम ने। देखो जी हर चीज च टैक्स, हाँ जी पेट्रोल जी टैक्स, असि ये चलने पे हैं, साढ़े दिन भी टैक्स है। ऐ जो तू खरीद के ले आयो डब्बा प्लास्टर फड़े यार, ए भी टैक्स दे के देता है। बिल्कुल, ए डब्बा 15 रुपए का है, खाली टैक्स दे के तुसी ले आयो। बिल्कुल, ए डब्बा भी प्लास्टिक का 5 रुपए का टैक्स है। ए गल लगी कि ना, ये किधर जांदा है, ए टैक्स किधर जा रहा है? इना दे कोल, ए महकमे च बैठे ने जे सरकारी अफसर, साढ़े ए प्रोटोकॉल वाले कोल जांदा है ना, जिन्ना नु 2000 लीटर फ्री पेट्रोल जा रहा है, बिजली मुफ्त, गैस मुफ्त, खाने आंदे ने दोपहर नु वो मुफ्त। एक छोटा जी अफसर लालो बार जे जांदा होए, साहब कह रहे चीज पैक कर दे, वो होटल वाला की करेगा? उन्हें तो कहना चल यार मैं अपने बच्चों की कमावा, हूँ मैं 15,000 रुपया महीना मेरी तनखा, 500 रुपया डेली, हूँ मैं की करांगा? 15 सोच भाजन, मैं नहीं समझ आ रही। मेरा जो माशाल्लाह मालक मेरे बच्चों इस तो ज्यादा दे, उन्होंने आसरा है, जो आसरा ना हो तो मैं मतलब सड़क से आके मरांगा। मैं गल हकीकत सी दस, एक दौर च 1990 च लाहौर तो कराची का किराया सिर्फ 180 रुपए सी, हूँ 4100 रुपए किराया है। जो खुदा ना खासा मनु फैमिली नु लेके जाना पवे, किन्ने बच्चे ने कराची फैमिली है? माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे ने। हां ते 1900 दे दो 40 दे नाल, हां ते किन्ना बन गया 80,000 रुपए, सिर्फ 1,00,000 रुपए ही हो गए ना, बीच खाना पीना तो भी शायद नहीं। जाहिर गल है 1,00,000 रुपए मनु 12 बच्चे हंसे जाएगा। हां तो मैं तो मर गया ना, जे मैं किसी नु मिल नहीं सकता, गमी खुशी च नहीं जा सकता, गमी खुशी च बिल्कुल नहीं जा सकता। मेहमान आई है हुन इस दौर दे विच, इस दौर च 600 रुपए किलो गोश्त है चिकन दा, आहो ओ तो थले हो रहा 500-600 दे विच ही घूमदा पिया, ऐसे जी घूम रहा है। हुन 1 किलो चिकन लेआण वास्ते मैं हुन सोचांगा यार मेरे घर मेहमान है, मैं चिकन किसको पकावां? ओ बाद बंदा अपनी इज्जत रख लेंदा यार, चलो मटन मंगा लेने अज, वो भी वो मटन तो बहुत दूर की गल है भाई जान, मटन बहुत दूर की गल है, 2,000 रुपए किलो मटन, चिकन से ही नहीं मैं सोच के खरीदांगा, मैं चिकन किस तरह खरीदा? तो दालों के रेट, हर चीज़ का रेट माशाल्लाह। चलो गोश्त नहीं खाना, चलो यार दाल पका लेने आज। मैं 1990 च मेरी 1400 रुपये तनखा सी रिजवान डिपार्टमेंट स्टोर शाहबान च गए। अच्छा जी, और राशन मैं उतो लैके आता सी, मैं सस्ता मिल जाता सी, ते सब कुछ खर्चा दूध दही हर चीज लिया के मनु 300-400 रुपए बच जाता सी। हुण जिहड़ा ना मैं सिर फड़ के बैठा, मैं किसे यार दोस्त नूं भी कह सकदा सफेद पोशी जी यार मनु 100 रुपए दे दी, मैं किराया ला के जाना। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੀਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਦੁਬਾਰੇ ਨੇ ਵਾਪਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, कहने रेलवे खसारे जा रही है, जदों के हर डब्बा जरा ना ट्रेन का वो फुल होंगे, 88 सीटा की 88 की सीटिंग हैगी है, 150 बंदा जा रहा है,
किस तरह अपना हो जाएगा 88 सीटिंग 150 बंदा जा रहे हैं वो खसारे जी किस तरह जा रहे हैं जख लोग जा रहे हैं खसारे जी जा रहे हैं किस तरह जा रहे हैं तुहानू ही दसी जांदे ने खसारा हो रहा है जिवें साह लेना आजादी आजाद नहीं